हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्री फेज सप्लाई के बारे में बात किए थे। उसमें से मैंने डेल्टा का स्टार का कनेक्शन आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें से लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, कैसे आता है, पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या होता है उस लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन, VL इक्वल टू √3 वी फेज, याद है आप लोगों को, ये बताया था। आज हम लोग बात करेंगे लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है स्टार में। जैसा कि आप लोग ये स्टार कनेक्शन में देख रहे हैं, ये आपका हुआ आर फेज, ये हुआ बी फेज, ये हुआ आर फेज, बीच में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो इसमें आप यहाँ से अगर इस नोड यहाँ को, इसको बीच का नोड मान लीजिए, इससे इसमें क्या हो रहा है, इस फेज में सिर्फ आर फेज का करंट जा रहा है और बी फेज में सिर्फ बी फेज का करंट जा रहा है, वाई फेज में सिर्फ वाई फेज का करंट जा रहा है। इससे क्या साबित हुआ, लाइन करंट जो होगा और फेज करंट क्या होगा, इक्वल होगा। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आर फेज में आप लोग देख रहे हैं सिर्फ आर फेज का करंट जा रहा है, वाई फेज में सिर्फ वाई फेज का करंट जा रहा है और बी फेज में सिर्फ बी फेज का करंट जा रहा है। इससे ये साबित होता है क्या, लाइन करंट और फेज करंट स्टार के कनेक्शन में क्या रहता है, इक्वल रहता है। जिस लैंग्वेज में मैंने भी जो अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है, चलिए एक बार आप लोगों को पढ़ के सुना। इन स्टार कनेक्शन ईच लाइन कंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सेपरेट फेज एज सून इन फिगर, जैसा कि फिगर में था। Therefore, current in a line conductor is the same as that in phase to which the line conductor is connected. क्या था, हर एक फेज में सिर्फ अगर R आपका थ्री फेज में R फेज, Y फेज, B फेज है, तो R फेज में सिर्फ R फेज का करंट जा रहा था, Y फेज में सिर्फ Y फेज का करंट जा रहा था, B फेज में सिर्फ और सिर्फ B फेज का करंट जा रहा था। इससे ये साबित होता है क्या, प्रूफ होता है कि लाइन करंट और फेज करंट स्टार के कनेक्शन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। नोट में भी आप लोग का सेम लिखा हुआ है, देखिए, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ऑल द लाइन करंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब आपका जो होगा लाइन करंट का हर एक का फेज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट उसका जो फेज एंगल होगा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। चलिए आप बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो डेल्टा कनेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, क्या देखेंगे, क्या रिलेशन होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये हुआ आपका क्या, इस तरह बताया था डेल्टा होता है, ये आर फेज हो गया, ये बी फेज, ये वाई फेज, ये कितना वाई फेज। इसमें आप देख रहे होंगे इसका अगर वोल्टेज देखा जाए तो जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज इसमें भी है, जो आर फेज में वोल्टेज है वही वाई फेज में और बी फेज में है, कहीं इधर से अलग लूप नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा के कनेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। बट स्टार में क्या हो रहा था, स्टार का कनेक्शन में आप लोगों का ये जो वोल्टेज था वी आर, वी वाई, वी बी, ये एक अपना मिरर इमेज बना के क्या बना रहा था, रिजल्टेंट निकल रहा था। इस कारण से वहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन आया था, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज।
बट डेल्टा के कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन होने के कारण इसमें क्या होता है, बराबर होता है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में से, सिंस द बैलेंस सिस्टम द थ्री फेज वोल्टेज आर इक्वल मैग्नीट्यूड से ईच इक्वल टू फेज वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज बट डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री फ्रॉम वन टू अनदर। वन टू अनदर का मतलब हुआ एक फेज और दूसरे फेज के बीच के वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ऐसे सुनो जैसा कि फिगर में था, ओनली वन फेज वाइंडिंग इन इंक्लूड बिटवीन द फेज वाइंडिंग इन इंक्लूड बिटवीन एनी पेयर ऑफ लाइन हिंस डेल्टा कनेक्शन द लाइन वोल्टेज इक्वल टू लाइन फेज। क्या, लाइन वोल्टेज इक्वल टू लाइन फेज। सिंस द फेज सिक्वेंस आर वाई बी द लाइन वोल्टेज आर वाई 120 डिग्री हेडेड एंड बी वाई एंड 240 डिग्री हेडेड बी आर वाई आई आइडेंटिकल आर ऑल्सो द फेज सिक्वेंस। यहाँ इसका कहने का मतलब हुआ, ये आपका आर फेज का वोल्टेज है, ये वाई फेज का वोल्टेज है, ये बी फेज का वोल्टेज है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 120 डिग्री आर टू वाई हुआ, वाई टू बी देखेंगे तो आपका 120 डिग्री हुआ, बट बी और आर के बीच देखेंगे इसको रेफरेंस लेंगे तो ये टोटल मेरा यहाँ 360 होगा, लेकिन ये इधर से 120 बनाएगा, बट इधर से देखेंगे तो मेरा कितना डिग्री बनाएगा, 240 डिग्री बनाएगा। वही कह रहा है हेडेड 240 डिग्री वी आर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज वोल्टेज। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, मान ये डेल्टा कनेक्शन हुआ, इसमें ये आर फेज का करंट जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, बी फेज का करंट इधर आएगा, तो ना फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर वाई फेज का करंट यहाँ आने के लिए इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप किस, इसमें कितना नोड है, दो तीन नोड है। नोड किसको बोलते हैं, थोड़ा आप लोग ब्रीफ पर सुन लीजिए। नोड हम उसे कहते हैं जब दो ब्रांचेज मिलते हैं, या तो फिर जहाँ से जंक्शन पॉइंट होता है उसे हम नोड बोलते हैं। या यहाँ पे आप लोग नोड से अच्छा है कि आप जंक्शन पॉइंट समझिए। जंक्शन पॉइंट, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वो हुआ जहाँ से दो से मोर देन डायरेक्शन हो, वहाँ से हम जंक्शन जंक्शन उसको कहते हैं। मान लीजिए ये आपका जंक्शन है, यहाँ से जो है लाइन दो ए दो से ज़्यादा की ओर कट रही है, उसे जंक्शन कहते हैं। ऐसा थोड़ा आप लोग और समझ सकते हैं तो रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं, तो आप लोग उसमें जंक्शन की जंक्शन के बारे में सुने होंगे। जैसे कि पटना को आप लोग देखिएगा तो पटना से बहुत सारा रूट की लाइनें कटती है, इस कारण से उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जैसे आप और देखिएगा तो आप सुनेंगे सुनते हैं क्यूल जंक्शन या आप लखीसराय जंक्शन, जहाँ से एक से ज़्यादा रूट की ओर जो कटती है उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो वहीं आप इस यहाँ पे और थोड़ा सा केसीएल और केवीएल के बारे में समझ लीजिए। तो हाँ, यहाँ पे हम यूज करेंगे केसीएल का, क्या चीज़ का करेंगे, केसीएल का। तो वही कहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मान लीजिए आपका जंक्शन हो गया, यहाँ से जितना करंट जा रहा है आ रहा है, जो आ रहा है वो आपका हो गया इनकमिंग, जो जा रहा है वो आपका हो गया आउटगोइंग। मान लीजिए आई वन आपका आ रहा है, आई टू आपका जा रहा है, आई थ्री आपका आ रहा है, आई फोर आ जा रहा है। तो इस नोड पे आप केसीएल लगाइएगा तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट को मान लीजिए पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट को मान लीजिए नेगेटिव। तो इनकमिंग समय, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट आर समेशन इक्वल टू जीरो।
तो इनकमिंग को आप पॉजिटिव माने, आउटगोइंग को आप निगेटिव माने, तो क्या हो रहा है, I1 आपका आ रहा है तो I1, उसके बाद प्लस I2 आपका जा रहा है तो माइनस I2, उसके बाद दीजिए फिर प्लस I3 आपका आ रहा है पॉजिटिव है तो I3, उसके बाद प्लस I4 क्या हो रहा है, जा रहा है तो I4 को क्या, जाने वालों को क्या माने, निगेटिव, तो I माइनस आई फोर इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई वन प्लस आई थ्री इक्वल टू आई टू प्लस आई फोर। तो यही होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इज कॉल्ड केसीएल, जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। तो वही यहाँ पे समझिए आप लोग, इस पॉइंट को आप लोग मान लीजिए एक जंक्शन, इसमें आप देखिए, इसमें मान लीजिए I1 करंट है, ये आप जंक्शन मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें मान लीजिए I2 करंट जा रहा है, इसमें मान लीजिए I3 करंट जा रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप KCL लगाए थे, इधर तो क्या जा रहा है, IB जा रहा है इधर से I2, इधर इस पॉइंट से IB क्या हो रहा है, आउट गोइंग, इधर से क्या आ रहा है, आई आर इनकमिंग हो रहा है, इधर आई वन क्या आ रहा है, आउट गोइंग हो रहा है। तो हम यहाँ केसीएल लगाएंगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, इनकमिंग करंट मेरा क्या है, आई वन प्लस आई आर, और आउट गोइंग क्या है मेरा, आई बी है ना, आई बी इक्वल टू जीरो। तो हम यहां से I1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकमिंग करंट को हम क्या माने हैं, पॉजिटिव, और आउटगोइंग को निगेटिव। तो मेरा IR तो I1 मेरा क्या आ रहा है, आउटगोइंग, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस। मेरा I2 क्या आ रहा है इस नोड पे, इनकमिंग, तो क्या आ जाएगा, IR प्लस, फिर प्लस यहाँ, लेकिन आई भी क्या हो रहा है, आउट गोइंग, तो हम निगेटिव लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या जाएगा, आई वन इक्वल टू आई आर माइनस आई बी हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए आई वन इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, आई आर माइनस आई बी, समझ गए। उसी तरह आप इस नोड पे लगाइएगा, इस नोड पे लगाइएगा तो आ जाएगा I2 इक्वल टू I1 माइनस I2, फिर इस नोड पे लगाइएगा तो इधर से जो करंट आएगा वो IB माइनस I2 होगा। अब चलिए इसका फेजर बनाते हैं, तो IR, IB और IY के बीच का फेज एंगल कितना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री देखिए फेज एंगल हो गया। फिर सेम जो लॉजिक स्टार में वोल्टेज और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच लॉजिक लगाए थे, सेम लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे। तो IR का मिरर इमेज खींचेंगे तो क्या आएगा, IR, फिर IB का खींचेंगे तो माइनस IB, या IB जो माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिरर इमेज है, फिर IY का लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आई वाई होगा, थोड़ा मिस हो गया लिखने में, तो आई माइनस आई वाई, ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए रिजल्ट, ये निकाल लीजिए रिजल्टेंट, या तो फिर ये निकाल लीजिए रिजल्टेंट। तो फिर वही हम वेक्टर का लगाएं, पैरेललोग्राम्स का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कौन सा, जो नेट फोर्स निकालने के लिए आप लोग मैकेनिक्स में यूज़ करते होंगे, वेक्टर में रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज़ करते होंगे, सेम वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए वही लगाए हैं, तो उसके बाद ये आप लगाइएगा तो आई आर स्क्वायर प्लस आई बी प्लस टू आई आर आई बी, फेज वोल्टेज इसमें फिर सेम हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा रिलेशन, आई एल आई लाइन करेंट, लाइन करेंट इक्वल टू रूट थ्री आई फेज वोल्टेज, यही आपका हो जाएगा लाइन करंट और फेज करंट के बीच का रिलेशन, किसमें, डेल्टा में। डाप एक बार फिर से आप लोग को दोहरा देते हैं, स्टार में क्या था, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और इक्वल टू रूट फेज वोल्टेज, और उसमें स्टार के कनेक्शन में लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट बराबर था,
अब देखिए डेल्टा में क्या है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा के कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल है, और लाइन करंट और फेज करंट क्या आ जाएगा, √3 I फेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट को थोड़ा समझिए। फिर वही आप लोग को जो बताते हैं आर फेज और माइनस बी फेज, ये आपका आ जाएगा फेजर डिफरेंस। वाई और फेज करंट आर जो निकलेगा, आई टू जो आया था फिगर में वो फेजर डिफरेंस हो गया, आई थ्री में जो आए फेज करंट बी का और फेज करंट वाई का जो डिफरेंस होगा वही फेजर डिफरेंस हो जाएगा। आप पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टार के कनेक्शन में भी और डेल्टा के कनेक्शन में भी कैसे हम पावर को निकालते हैं, और थ्री फेज में हमारा पावर क्या होता है। तो आइए पावर के बारे में देखते हैं। तो पावर के बारे में पहले तो आप लोगों को मैं पावर पहले बेसिक में भी बताया हूँ, और पिछले लेक्चर में से आप देखिएगा स्टार्ट के सेकंड या थर्ड लेक्चर, उसमें भी मैंने बताया था पावर क्या था। टोटल पावर इन सर्किट क्वाइट लॉजिकली द सम ऑफ पावर थ्री फेज बैलेंस लोड पावर कंज्यूम लोड फेज इज द सेम। थ्री फेज में हम जो है अगर एंगल उसका सेम रहना चाहिए ना, अगर उसका फेज एंगल जो होगा वो सबको हमको निकालना पड़ेगा, किसके बीच फेज एंगल हमेशा थ्री फेज में सेम होना चाहिए। थ्री फेज पावर सप्लाई में फेज एंगल हमेशा कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को एक पावर बताया था, रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर, तो पावर बराबर भी आई क्या होता है, कॉस फाई होता है। लेकिन हम यहाँ थ्री फेज का बात कर रहे हैं तो हमको क्या करेंगे, उसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हुआ फेज का, ये हो गया किसका, फेज का। अब लाइन स्टार कनेक्शन में, स्टार में आप लोग जानते हैं फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज अपॉन √3। ये कैसे आया, आप लोग निकाले थे भी लाइन वोल्टेज बराबर क्या निकाले थे, √3 भी फेज निकाले थे। यहाँ से आप भी फेज निकालिएगा तो आ जाएगा VL/√3 आ गया ना। तो वही भी फेज बराबर VL/√2। और इसमें स्टार के कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सेम होता है। इसके बाद आप लोग फेज वोल्टेज के जगह हम क्या लिखेंगे, लाइन। अब फेज वोल्टेज को हम लाइन, अगर हम थ्री फेज निकाल रहे हैं तो हम लाइन फेज का पावर निकालते हैं ज़्यादातर। अगर लाइन का पावर निकालेंगे तो हम लाइन फेज जो लाइन वोल्टेज हो जो लाइन वोल्टेज होगा लाइन में लेंगे, लाइन करंट जो होगा लाइन करंट में लेंगे। तो भी लाइन वोल्टेज √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फेज यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। राई फेज मतलब फेज करंट इक्वल टू स्टार में लाइन करंट होता है, तो मेरा लाइन फेज कर फेज करंट इक्वल टू ई के जगह लाइन करंट हो जाएगा। कॉस फेज यहाँ मेरा पावर फैक्टर हुआ तो वो कॉस पर रहेगा। इसके बाद √3 से ही √3 जाएगा यहाँ पे। आप लोग जानते हैं थ्री को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो √3 चल जाए कितना बचेगा, √3। तो यहाँ से आ गया पावर टू √3 VL cos φ। अगर आपको लाइन वोल्टेज से पावर निकालने बोलेगा तो आप लोग भी √√3 VL IL cos φ लगाइएगा। अगर फेज का पावर निकालने कहेगा तो आप √3 VL phase × IL phase × cos φ लगाइएगा। यहीं से लिए आप डेल्टा निकालते हैं तो सेम कंडीशन, डेल्टा के कंडीशन में हम लोग का क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। और लाइन करंट इक्वल टू √3 I phase मतलब फेज करंट। यहां से फेज करंट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, लाइन करंट अपॉन √3। फिर वैल्यू को पुट कर देंगे लाइन करंट के जगह, फेज करंट के जगह पे क्या, फेज करंट के जगह पुट करेंगे लाइन करंट अपॉन √3। तो वहां से फिर पावर में आ जाएगा √3 VL IL cos φ। ये मेरा या तो डेल्टा के कनेक्शन में पावर निकालें या स्टार के कनेक्शन में पावर निकालें, क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड यूनिट आज आप लोगों का, सेकंड यूनिट आज आप लोगों का समाप्त हुआ। अगले दिन हम बात करेंगे थर्ड यूनिट का, अभी थोड़ा ब्रेक देंगे उसको, पहले आप लोगों को मशीन के बारे में पढ़ाएंगे फोर्थ यूनिट से। थर्ड यूनिट का मेजरमेंट का पार्ट है, वो पार्ट
हम आप लोगों को उसमें कुछ बेसिक ऐसा आप लोगों को बताना पड़ेगा, उसके साथ इलेक्ट्रिकल का मेजरमेंट के साथ मर्ज करके आप लोगों को पढ़ा देंगे, बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वो लिंक जो है आप लोगों को स्पेशली लिए डाल दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। बाकी बात आप आगे की क्लास कंटिन्यू करें और देखते रहें। आप लोग बहुत सिंसियरली रूप से वीडियो को देखें, आप लोग लाइक करें और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।